ओके हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है 2024 में, ठीक है। 2024 में प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो उसी एग्जाम रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब हम लोग बात करने वाले जो प्रीलिम्स का जो जितना सारा सिलेबस है, उस सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2024 का, वो रिलेटेड, ठीक है, 24 रिलेटेड जो लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करने वाले, उस लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर होगा जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। और जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में से आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको स्टडी, टॉपिक के बारे में आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये वाला वीडियोस है। और इस वीडियोस में हम लोग ये भी बात करने वाले जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। इस जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको लगभग एक से लेके दो क्वेश्चन, आप मान लीजिए हर एक ईयर में दो से लेके तीन क्वेश्चन पूछा है इस प्रीलिम्स का एग्जाम में। मैंने बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स का एग्जाम के लिए, ठीक है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस प्रीलिम्स का एग्जाम में हर बार दो से लेके तीन क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है, और इसमें जितना सारा PYQs का क्वेश्चन है वही हम लोग बात करने वाले। ये वाला लेक्चर एकदम प्रीलिम्स से रिगार्डिंग होगा, प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग क्या है। देखिए, ये जो जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग है, द साइंस ऑफ जियोफिजिकल अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स द स्टडी ऑफ आर्थ, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले टू स्टडी द आर्थ, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे टू स्टडी द आर्थ स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इस जियोफिजिकल स्टडी द आर्थ स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब हम लोग कुछ जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस करने वाले, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करने वाले, दिस इज नथिंग बट इंटीरियर द आर्थ, मतलब आर्थ के अंदर में कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करने वाले, ओके। और हम लोग क्या देखने वाले, देखिए, इस इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो अब एक बात मान के चलिए, जो जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स है, ठीक है, इस मेथड्स के थ्रू हम लोग इंटीरियर ऑफ आर्थ, आर्थ के जो इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसको स्टडी करके हम लोग जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्थ, कि आर्थ के जो इंटीरियर में जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो ओके अभी देखिए, जो जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग रिगार्डिंग जो मेथड्स है, बेसिकली जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में सर्वे, जियोफिजिकल सर्वे में या फिफ्थ टाइप का मेथड से, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, आप ग्रेविटी मेथड के मेंशन किया, हम लोगों ने ग्रेविटी मेथड यहाँ पे मेंशन किया, ग्रेविटी मेथड से। उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक मेथड्स होगा, देन इलेक्ट्रिकल मेथड्स होगा, देन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स होगा, और एक मेथड से सिस्मिक मेथड्स। अब उसके साथ आप इसके साथ एड ऑन कर लीजिए सिस्मिक मेथड्स, ठीक है, सिस्मिक मेथड्स, सिस्मिक
मेथड्स होगा, ठीक है, सिस्मिक मेथड्स है, सिस्मिक मेथड्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, सिस्मिक मेथड्स। तो आप ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स और सिस्मिक मेथड्स, इस फाइव टाइप का मेथड्स के बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करने वाले इस जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स में, ठीक है। तो आप एक बार एक यहाँ पे एक सर्वे है, देखिए एक समरी है, इस समरी में आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, जो ऑब्जर्वेशन है, जो समरी है ना, जो समरी आप एक बार समरी को एक बार देखिए, ठीक है, जो समरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, समरी के बारे में आप एक बार देखिए। समरी क्या है, फर्स्ट आपके पास सिस्मिक मेथड्स है, सिस्मिक मेथड्स में हम लोग क्या पैरामीटर्स मेजरमेंट करने वाले, सिस्मिक मेथड्स में हम लोग पैरामीटर मेजर करने वाले ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड ऑफ सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव होता है, ठीक है, सिस्मिक वेव बेसिकली कहां से जनरेट होता है, अर्थक्वेक से होता है, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए सिस्मिक वेव जनरेट होता है, उसी सिस्मिक वेव का ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड वेव का हम लोग ट्रैवल टाइम के बारे में बात करने वाले, ट्रैवल टाइम क्या होगा, इस ट्रैवल टाइम के बारे में हम लोग बात करने वाले, ट्रैवल टाइम क्या होगा, ठीक है, ओके, ट्रैवल टाइम के बारे में हम लोग बात करने वाले। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इस सिस्मिक मेथड्स के थ्रू क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करने वाले, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग कैलकुलेट करने वाले डेंसिटी, इलास्टिक मॉड्यूलस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए, जो डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस है, इस डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस का हेल्प लेके हम लोग प्रोपगेशन वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक सिस्मिक वेव हम लोग कैलकुलेट करने वाले, जो सिस्मिक वेव होता है उस सिस्मिक वेव का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस का हेल्प लेना होगा। तो इस डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिस्मिक मेथड्स का हेल्प लेने वाले। तब इस आराम से लिख लीजिए, जो सिस्मिक मेथड्स होगा, इस सिस्मिक मेथड में हम लोग ट्रैवल टाइम मेजरमेंट करने वाले, क्या मेजरमेंट करने वाले, ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड सिस्मिक वेव, और क्या मेजरमेंट करने वाले, डेंसिटी ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस, डेंसिटी एंड इलास्टिक मॉड्यूलस हम लोग कैलकुलेट करने वाले, और इस दोनों का हेल्प लेके हम लोग जो सिस्मिक वेव का वेलोसिटी, मतलब पी वेव का वेलोसिटी और एस वेव का जो वेलोसिटी होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप इसको हाईलाइट करके रखिए, डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डेंसिटी एंड इलास्टिक मॉड्यूलस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटी मेथड के बारे में, ग्रेविटी मेथड्स, ओके, ग्रेविटी मेथड्स में हम लोग क्या मेजरमेंट करने वाले, ग्रेविटी मेथड्स में हम लोग मेजरमेंट करने वाले कुछ वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका वेरिएशन चेक करने वाले, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है, उसका वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब डिस्टेंस के साथ, हाइट के साथ कैसे वेरिएशन होगा, वो हम लोग चेक करने वाले, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग चेक करने वाले, स्पेशल कोऑर्डिनेट हाइट के साथ कैसे उसका वेरिएशन होगा, ये हम लोग बेसिकली इसमें मेजरमेंट करने वाले। तो मेजरमेंट तो किया, मेजरमेंट करने के बाद क्या कैलकुलेशन करने वाले, क्या पैरामीटर हम लोग डिस्कस यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले, डेंसिटी ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के नीचे जितना सारा आपको वर्ल्ड बॉडी मिलेगा, जितना सारा बॉडी मिलेगा ना, तो सारे बॉडीज का आप डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा। सो आप इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है, स्ट्रेंथ डिस्कस करने वाले, और इसके थ्रू जो स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट पैरामीटर, इस मेजरमेंट पैरामीटर के हेल्प लेके हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करने वाले, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप स्टार मार्क देख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस क्या मेजरमेंट पैरामीटर क्या है इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आपको इसको याद रखना होगा, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, मैग्नेटिक मेथड्स के बारे में, जो मैग्नेटिक मेथड्स है, मैग्नेटिक मेथड्स क्या है, ठीक है, इस मैग्नेटिक मेथड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले, मैग्नेटिक मेथड्स क्या है, इसमें हम लोग क्या पैरामीटर मेजरमेंट करने वाले, इसमें भी हम लोग फिर से
स्ट्रेंथ ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड इसका वेरिएशन चेक करने वाले, ये भी हम लोग पोजिशन कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मेजरमेंट पैरामीटर इन मैग्नेटिक मेथड्स आर लाइक दैट स्पेशल वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड। तो इस मेजरमेंट पैरामीटर से हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, इस मेजरमेंट पैरामीटर से हम लोग देखने वाले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रेमेंसेस, ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रेमेंसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक मेथड्स है, इस मैग्नेटिक मेथड्स में हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने वाले और रेमेंसेस को हम लोग कैलकुलेट करने वाले। इस रेमेंसेस से एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अब इसको नोट डाउन करके लगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो रेमेंसेस वाला पार्ट है इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, रिमेम्बर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा है बहुत बार एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, ये वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, देखिए आर्थ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले, आर्थ का जो रेजिस्टेंस होगा वही हम लोग कैलकुलेट करने वाले इसके थ्रू, आर्थ का जो रेजिस्टेंस होगा ना, आर्थ का रेजिस्टेंस, उस आर्थ का रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करने वाले, आर्थ का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। और इस आर्थ का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जो प्रॉपर्टीज हम लोग डील करेंगे, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग डील करने वाले। नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, देखिए हर एक मेथड हम लोग डिटेल्स डिस्कशन तो करेंगे, हम लोग एक ब्रीफ समरी ले रहे हैं, बेसिकली क्या क्या मेजरमेंट पैरामीटर्स है, बेसिकली क्या पैरामीटर्स हम लोग मेजरमेंट करेंगे और उस पैरामीटर के हेल्प लेके क्या प्रॉपर्टीज हम लोग डील करने वाले, यही मैंने देखा यहाँ पे मैंने मेंशन किया बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आईपी मेथड्स, दैट इज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड, आईपी मेथड्स और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड, इस इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड, ठीक है, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड जो है ना, इसमें हम लोग देखने वाले पोलराइजेशन ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ग्राउंड रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग बेसिकली पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं कुछ इधर उधर की बात करेंगे, ऐसा नहीं, हम लोग जस्ट पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, इसमें पोलराइजेशन के बारे में। तो पोलराइजेशन के बारे में बात को किया तो क्या प्रॉपर्टीज हम लोग डील करने वाले, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए आर्थ का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करने वाले, कौन सा मेथड्स को हम लोग हेल्प लेने वाले, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड, ये वाला भी क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। सो जियोफिजिकल मेथड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, इस इंड्यूस्ड पोलराइजेशन का हेल्प, इस मेथड का हेल्प लेके हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में डील करने वाले, इस मेथड को हम लोग डील करने वाले। नेक्स्ट आता है सेल्फ पोटेंशियल मेथड, ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ पोटेंशियल मेथड, जो सेल्फ पोटेंशियल मेथड होता है इससे रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डील करेंगे, सेल्फ पोटेंशियल मेथड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम लोगों ने मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हम लोग डील करेंगे, जिसे नाते बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये जो सारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, देखिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इस दोनों का कैलकुलेट करने के लिए आपको इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड का हेल्प लेना होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड का हेल्प लेना होगा। और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड में हम लोग क्या कौन सा पैरामीटर हम लोग मेजरमेंट करने वाले, आर्थ रेजिस्टेंस और पोलराइजेशन, ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या डील करने वाले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, आप इस दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करने वाले इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट आता है क्या, सेल्फ पोटेंशियल मेथड, अभी देखिए जो सेल्फ पोटेंशियल मेथड, इस सेल्फ पोटेंशियल मेथड से हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सेल्फ पोटेंशियल मेथड और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इसमें हम लोग
एक बहुत ही खास बात है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, इसको आप हाईलाइट करके रखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स में हम लोग देखने वाले रेस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखने वाले? रेस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, हम लोग जब डिटेल स्टडी करेंगे, मेंस रिलेटेड स्टडी करेंगे ना, तो हम लोग देखने वाले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का, हम लोग इस रेस्पॉन्स कार्ड, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ रेस्पॉन्स कार्ड मिलेगा आपको, उस रेस्पॉन्स कार्ड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो रेस्पॉन्स कार्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें हम लोग क्या देखने वाले? इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी के बारे में हम लोग डील करने वाले, और क्या देखने वाले? इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी और देखने वाले हम लोग इंडक्टेंस के बारे में बात करने वाले। ठीक है, ये जो इंडक्टेंस वाला पार्ट है, इस इंडक्टेंस के बारे में बात करने वाले। इंडक्टेंस छोड़ाऊ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप हाईलाइट करके रखिए, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको भी आप स्टार मार्क देके रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स में आपको रेस्पॉन्स कार्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैलकुलेट करने के लिए, आपको मेजरमेंट करने के लिए हेल्प होगा, और इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी एंड इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस, तो देखिए इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे डील करने वाले, इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स का हेल्प लेने वाले। लास्ट वाला जो पार्ट है, इतना भी खास नहीं है, बस हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, छिद्र रैडर। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? टाइम टेबल ऑफ रिफ्लेक्टेड रैडर प्लस रैडर पल्सेस। इसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट करने वाले। सो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए रैडर मेथड का हम लोग हेल्प लेंगे, और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करने वाले? टाइम कैलकुलेट करने वाले, ट्रैवल टाइम। किसका? रैडर पल्स का। ठीक है, तो अब एक बार एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, सिक्लिक मेथड में हम लोग ट्रैवल टाइम कैलकुलेट कर, एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, मैंने आपको इसका पीडीएफ भी आप प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ लेना, जो मैंने पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा खुद का नोट है, मैंने खुद तैयार किया आप लोगों के लिए, आपको पढ़ना चाहिए इस नोट्स को अच्छे से, आप अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, अभी देखने वाले जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग क्या है। अभी हम लोग देखने वाले जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअली क्या है। जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग, इसका नेसेसरी क्या है, क्यों जियोफिजिकल जो डाटा मिलेगा उसको प्रोसेसिंग करने का जरूरत क्या है, जितना सारा जियोफिजिकल डाटा मिलेगा उसका प्रोसेसिंग करने का जरूरत क्या है, क्यों हम लोग जियोफिजिकल डाटा को प्रोसेसिंग करने वाले। एक एक बात आप आराम से देखिए, जियोफिजिकल सर्वे हम लोगों ने किया। ठीक है, और उस जियोफिजिकल सर्वे में हम लोग क्या किया, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजरमेंट करने वाले, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का वेरिएशन हम लोग मेजरमेंट करने वाले। जो वेरिएशन होगा वो टाइम के साथ होगा और पोजिशन के साथ होगा, मतलब जियोफिजिकल सर्वे में हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल पैरामीटर का वेरिएशन टाइम के साथ और पोजिशन के साथ हम लोग मेजरमेंट करने वाले, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जियोफिजिकल सर्वे इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विथ पोजिशन एंड टाइम, बस यही बात है। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो जियोफिजिकल सर्वे है। इस जियोफिजिकल सर्वे में हम लोग एक एग्जाम्पल लिया, देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन विद द डिस्टेंस, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका वेरिएशन हम लोग डिस्टेंस के साथ मेजरमेंट करने वाले। ठीक है, उसका एक ग्राफ देखिए आप इसके पास है, इस ग्राफ का रीजन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस ग्राफ के बारे में अभी सोचना नहीं है। तो आपको देखना है जो फिजिकल पैरामीटर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मेजरमेंट करने वाले, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ मेजरमेंट, इसका वेरिएशन हम लोग चेक करने वाले डिस्टेंस के साथ। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हम लोग चेक करने वाले डिस्टेंस के साथ,
ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या हम लोग मेजरमेंट करने वाले। अनदर फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड वेलोसिटी, ग्राउंड मोशन, द मोशन ऑफ द ग्राउंड सर्फेस, द मोशन ऑफ द ग्राउंड सर्फेस, इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करने वाले, टाइम के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करने वाले। इस द मोशन ऑफ द ग्राउंड सर्फेस, इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सिस्मिक वेव का हेल्प लेने वाले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्मिक वेव का हम लोग हेल्प लेने वाला है, ठीक है। तो आपके पास टू टाइप का मेजरमेंट मिला, एक मेजरमेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मेजरमेंट करने वाले, एक क्या मेजरमेंट करने वाले हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट करने वाले वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है, वर्सेस डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाले, और क्या मेजरमेंट करने वाले, द मोशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, इसका मेजरमेंट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली सिस्मिक जो जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग है, जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग, इट इज नथिंग बट द जो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ विथ डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, और ग्राउंड का जो मोशन है उसका टाइम के साथ वेरिएशन हम लोग चेक करने वाले, और सारे सारे सर्वे हम लोग करने वाले सिस्मिक वेव का सहारा लेके, सिस्मिक वेव का हम लोग सहारा लेने वाले, ओके। सिस्मिक वेव का हम लोग सहारा लेने वाले और इस सिस्मिक वेव का हेल्प लेके हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज का वेरिएशन विथ टाइम विथ डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाले। दिस इज नथिंग बट द जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद क्या है। तो जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, डिजिटाइजेशन ऑफ जियोफिजिकल डाटा, मतलब जितना सारा जियोफिजिकल डाटा मिलेगा उसका आपको डिजिटाइजेशन करना होगा, मतलब उसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, डिजिटाइजेशन। तो जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग में जो फर्स्ट स्टेप है, आपको जितना सारा जियोफिजिकल डाटा मिलेगा सारे जियोफिजिकल डाटा को आपको डिजिटाइजेशन करना होगा, डिजिटाइजेशन। तो जियो डिजिटाइजेशन करना होगा, तो डिजिटाइजेशन हम लोग कैसे करने वाले वही हम लोग देखेंगे। मतलब डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो डिजिटाइजेशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एनालॉग जो सिग्नल मिलेगा, जो एनालॉग सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा, डिस्क्रीट, डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब यह है डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटाइजेशन। तो देखिए क्या करने वाले हम लोग, एक बात आराम से देखिए, ये जो वेव फॉर्म्स ऑफ जियोफिजिकल सर्वे कंटिन्यूअस, मतलब जितना सारा वेव्स हम लोग यूज करने वाले, ठीक है, और जितना सारा डाटा मिलने वाला है वो आपको वेव फॉर्म के फॉर्म में मिलेगा। ये जो जितना सारा जियोफिजिकल डाटा मिलेगा ना आपको एक वेव के फॉर्म में मिलने वाला है, वेव फॉर्म्स। तो वेव फॉर्म्स ऑफ जियोफिजिकल सर्वे आर कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल। तो जियोफिजिकल सर्वे में आपको जितना सारा डाटा मिलेगा जिससे नथिंग बट वेव फॉर्म के फॉर्म में मिलेगा, और दिस वेव फॉर्म्स आर नथिंग बट द एनालॉग सिग्नल्स है। तो सारे सिग्नल आर द फंक्शंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में तो हम लोगों ने मेजरमेंट किया, तो उसके फंक्शंस के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो सारे जो जितना सारा सिग्नल मिला, एनालॉग सिग्नल मिला, इस सारे एनालॉग सिग्नल को एक्सप्रेस करना होगा इन डिजिटल फॉर्म बाय यूजिंग ए डिजिटल कंप्यूटर। आपको एक डिजिटल कंप्यूटर यूज करना होगा, उस डिजिटल कंप्यूटर यूज करके डिजिटल एनालॉग सिग्नल को आपको डिजिटल फॉर्म में अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू
डिजिटल कन्वर्टर आपको यूज करना होगा। ओके बात करते सो इसमें क्या क्या होने वाला है, आराम से देखिए क्या है बेसिकली। जो जियोफिजिकल डाटा का डिजिटाइजेशन में हम लोग क्या करने वाले, देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलेगा, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलेगा। कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब क्या है, देखिए कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब देखिए आराम से, एक कंटिन्यूअस स्मूथ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस डिजिटली बाय सैंपलिंग। कैसे हम लोग इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, सैंपलिंग में, सैंपलिंग सैंपलिंग हम लोग। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास है सैंपलिंग, अभी हम लोग सैंपलिंग के बारे में बात करेंगे, सैंपलिंग करने वाले, ठीक है सैंपलिंग करने वाले। ये जो सैंपलिंग करने वाले द फंक्शन एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब हम लोग फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में सैंपलिंग करने वाले, ठीक है, और क्या करने वाले, एंड रिकॉर्डिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ईच सैंपलिंग पॉइंट। मतलब सारे सैंपलिंग पॉइंट में जो जो आपको वैल्यू मिलेगा उस सारे वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड करने वाले। तो एक फॉर्म आप आराम से समझ लीजिए, एक बात आप आराम से समझ लीजिए, आपके पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल था, ठीक है, उसी कंटिन्यूअस सिग्नल को आप एक सैंपलिंग किया एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक फिक्स इंटरवल में, और उसी फिक्स इंटरवल में सैंपलिंग करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलने वाला है, और उसी वैल्यू को आपको कलेक्ट करना है, वैल्यू मिलेगा प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, किसी भी फॉर्म में आपको वैल्यू मिलने वैल्यू मिलने वाला है। सो दिस डिस्क्रीट वैल्यूज आपको मिलने वाला है इसमें। तो सैंपलिंग करने के बाद जो कंटिन्यूअस सिग्नल और एनालॉग सिग्नल मिलेगा उसको सैंपलिंग करने के बाद आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है डिस्क्रीट वैल्यू मिलने वाला है, और ये डिस्क्रीट वैल्यू दिस आर ऑल डिजिटल वैल्यू, दिस ऑल आर डिजिटल वैल्यू मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैसे एक कंटिन्यूअस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, आराम से देखिए, एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये वाला कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है ये वाला कंटिन्यूअस सिग्नल है। इस कंटिन्यूअस सिग्नल को देखिए हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम टाउ टाइम में हम लोग सैंपलिंग किया, इसका वैल्यू आपको 0.5 मिला, देन हम लोग फिर से टू टाउ इस टाइम में हम लोगों ने सैंपलिंग यूज किया, फिर से आपको एक वैल्यू मिला, अगेन हम लोगों ने अनदर टाइम इंटरवल 2-3T इस टाइम इंटरवल में हम लोगों ने सैंपलिंग किया, इसका हम लोगों ने वैल्यू मिला। इसी तरह एक एक टाइम इंटरवल में हम लोगों ने सैंपलिंग यूज किया और एक एक वैल्यू मिला। सो दिस ऑल आर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजिटल वैल्यू। तो इस टाइम के लिए टू टाउ टाइम के लिए आपको वैल्यू कितना मिला, 0.5, 2T टाइम के लिए आपको वैल्यू कितना मिला, 0.9, 3T टाइम के लिए आपको वैल्यू कितना मिला, 1। सो दिस ऑल आर द डिजिटल वैल्यू। तो मतलब आप देखिए आराम से, एक कंटिन्यूअस सिग्नल था, इस कंटिन्यूअस सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू डिजिटल मतलब एक एक डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन ऑफ जियोफिजिकल डाटा। तो आप मोटा मोटा क्रिस्टल फॉर्म में आप ये समझ लीजिए, जियोफिजिकल जितना सारा डाटा है, दिस आर ऑल कंटिन्यूअस सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। उस एनालॉग सिग्नल को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके, अर्थात सैंपलिंग मेथड अप्लाई करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, बस यही है। तो इस सर्वे मेथड में आपके पास एक जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटाइजेशन तो हम लोगों ने किया, तो आप आराम से यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को आप एक बार देख लीजिए, नोट में क्या बोला है हम लोगों ने, द कंटिन्यूअस वेब फंक्शंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू एट ए फिक्स्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको सैंपलिंग यूज करके डिजिटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अप्लाई करना होगा। सो डिजिटाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया, जो कंटिन्यूअस वेव फंक्शन था उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया बाय सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्रीट
वैल्यू तो आप लोगों आपको मिला, तो इस वैल्यू मिलने के बाद क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले इस जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग में, क्या कैलकुलेट करने वाले हम लोग? फर्स्ट कैलकुलेट करने वाले डायनामिक रेंज, देन हम लोग कैलकुलेट करने वाले सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले। ओके तो ओके द कंटिन्यूअस वेव फंक्शंस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू मिला, सारे डिस्क्रीट वैल्यू को लेके कुछ कैलकुलेशन हम लोग करने वाले, दिस इज कॉल्ड डायनामिक रेंज। तो डिजिटल जियोफिजिकल डाटा प्रोसेसिंग में इस डायनामिक रेंज और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले डायनामिक रेंज और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, डायनामिक रेंज और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। क्या है डायनामिक रेंज, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। डायनामिक रेंज क्या है, डायनामिक रेंज क्या है? ओके डायनामिक रेंज देखिए, डायनामिक रेंज इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट मेजरेबल एम्पलीट्यूड, जो हम लोगों ने जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद आपको कुछ मैग्नीट्यूड मिल रहा था ना, उसमें आपको कुछ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको मिला था और एक स्मॉलेस्ट मेजरेबल मैग्नीट्यूड भी आपको मिला था, ठीक है। इस दोनों का रेशियो है, इस दोनों का रेशियो है ना, इस दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? डायनामिक रेंज आपको मिल जाएगा। तो डायनामिक रेंज का मतलब the ratio of the largest measurable value to the minimum measurable value, minimum measurable value मतलब minimum discrete value और largest discrete value, ठीक है। इस दोनों का आप ratio calculate कर लीजिए, आपको dynamic range मिल जाएगा, ठीक है, आपको dynamic range मिल जाएगा। तो dynamic range में जो डायनामिक रेंज है, ठीक है, दिस डायनामिक रेंज आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल यूनिट, प्लीज रिमेंबर, ये जो डायनामिक रेंज है ऑल आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल यूनिट, ठीक है। तो चलिए डायनामिक रेंज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डायनामिक रेंज का देखिए, ऑलरेडी वी आर नो इन क्लास 11 ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स डिग्री लेवल, ऑल वी नो पावर इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल एम्पलीट्यूड होता है, ऑलवेज जो पावर होता है इट इज नथिंग बट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, राइट। जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का, जो एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर होता है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए डायनामिक रेंज आपको कैलकुलेट करने के लिए आप डेसिबल यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो आप लॉग ले लीजिए, तो 10 log 10 P2 upon P1, that is nothing but 10 log 10 P2 ka value, P2 upon P1 is nothing but A2 upon A1 ka whole square, that is nothing but 20 log 10 A2 अपॉन A1। यहाँ पे जो A2 है ना, दिस इज नथिंग बट द लार्जेस्ट मेजरेबल एम्पलीट्यूड, और जो A1 है, ठीक है, A1 दिस इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट मेजरेबल एम्पलीट्यूड। तो डायनामिक रेंज का कैलकुलेट करने के लिए आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा, 20 log 10 A2 अपॉन A1। यहाँ पे जो A2 है, A2 इज नथिंग बट जो A2 मिला, A2 दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Amax, ठीक है, और जो A1 है दिस इज नथिंग बट मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड उसको मेजरमेंट कर लीजिए। तो 20 log 10 A2 upon A1 इसका हेल्प लेके, इस फॉर्मूला का यूज लेके आप डायनामिक रेंज कैलकुलेट कीजिए। ओके,
चलिए डायनामिक रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ठीक है, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल मान ही लीजिए, इससे नथिंग बट एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है, इफ ए डिजिटल सैम्पलिंग स्कीम, इफ ए डिजिटल सैम्पलिंग स्कीम मेजर एम्पलीट्यूड ओवर द रेंज फ्रॉम 1 to 1024 यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर इसका एक सैम्पलिंग स्कीम है, उसमें जो मेजर एम्पलीट्यूड मिला, ठीक है, मेजर एक मेजरेबल एम्पलीट्यूड मिला, उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर 1 है और लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड अगर 1024 है, ठीक है, 1024 है, देन आपको डायनामिक रेंज क्या मिलने वाला है, देखिए 20 log mx अपॉन a मिनिमम, mx अपॉन a मिनिमम हम लोगों ने किया, mx अपॉन a मिनिमम हम लोगों ने किया, mx अपॉन a मिनिमम, a max इज नथिंग बट 1024 अपॉन 1, तो log 10 1024 एंड दिस इज नथिंग बट 60 डेसिबल होने वाला है, 60 डेसिबल होने वाला है, ठीक है, इसका मतलब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कितना, 60 डेसिबल, ठीक है, आराम से इसको आप डेसिबल यूनिट में आप कन्वर्ट करा लीजिए, ओके 60 डेसिबल हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक रेंज, अगर 60 डेसिबल है, एक इंपॉर्टेंट बात है, डायनामिक रेंज अगर 60 डेसिबल है देन आपको 11 बीट वर्ड मिलने वाला है, मतलब आपको एम्पलीट्यूड का जो रेशियो मिलेगा इज नथिंग बट 2 to the power 10, प्लीज रिमेंबर 2 to the power 10 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डायनामिक रेंज 60 डेसिबल है देन रिक्वायर्स 60 डेसिबल सैंपलिंग वर्ड्स, मतलब आपको 11 times आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना होगा, ओके आपको अगर डायनामिक रेंज 60 डेसिबल चाहिए ना, तो आपको 11 टाइम्स सैंपलिंग यूज करना होगा, 11 टाइम्स, और उसका जो एम्पलीट्यूड रेशियो होगा 60 डेसिबल मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू लोएस्ट एम्पलीट्यूड, इसका जो रेशियो होता है ऑलवेज 2 to the power 10 होता है, ठीक है। डायनामिक रेंज अगर 84 डेसिबल है, डायनामिक रेंज अगर 84 डेसिबल है तो आपको 15 बीट सैंपलिंग वर्ड्स चाहिए, देन आपका एम्पलीट्यूड रेशियो कितना होने वाला है, 2 to the power 40 होने वाला है, 2 to the power 40 होने वाला है। इस दोनों का वैल्यू आप याद रख लीजिए, इस दोनों से एक बार क्वेश्चन पूछा था। सो हम लोगों ने डायनामिक रेंज के बारे में बात तो किया, डायनामिक रेंज इज नथिंग बट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड। अगर एक एग्जांपल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1024 है, मिनिमम एम्पलीट्यूड 1 है, तब हम लोगों ने डायनामिक रेंज कितना कैलकुलेट किया, 60 डेसिबल। अगर डायनामिक रेंज 60 डेसिबल है, इसका मतलब आपको 11 टाइम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना होगा, और उसमें जो आपको रेशियो मिला था दिस इज नथिंग बट 2 to the power 10 मिला था, ओके 2 to the power 10 मिला था, सही बात है। और डायनामिक रेंज अगर 84 मिला, आपको 15 टाइम सैंपलिंग यूज करना होगा, 15 टाइम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना होगा, और उसमें जो एम्पलीट्यूड रेशियो होगा 2 to the power 14 होगा। ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेंज से, ओके। सो नोट, एक नोट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, देखिए अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ बीट्स, देखिए इंक्रीज द नंबर ऑफ बीट्स, बीट्स और सैंपलिंग बीट्स, बीट्स का मतलब बीट सैंपलिंग वर्ड्स, नंबर ऑफ बीट्स अगर आप लोगों ने यूज किया, इंक्रीज द नंबर ऑफ बीट्स इन ईच वर्ड्स इन डिजिटल सैंपलिंग, इंक्रीजिंग द डायनामिक रेंज ऑफ ए डिजिटल फंक्शन, किसी भी डिजिटल फंक्शन का डायनामिक रेंज इंक्रीज होने वाला है अगर आप बीट को इंक्रीज करोगे, बीट इंक्रीज करने के बाद, ओके तो बीट नंबर ऑफ बीट इंक्रीज करने के बाद नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज कर अगर आप नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज किया किसी भी डिजिटल सैंपलिंग इंक्रीज द डायनामिक रेंज, मतलब बीट्स इंक्रीज हुआ तो सैंपलिंग भी, बीट्स इंक्रीज हुआ तो आपको डायनामिक रेंज भी इंक्रीज होगा, बीट्स इंक्रीज हुआ तो डायनामिक रेंज भी इंक्रीज होने वाला है। सो डायनामिक रेंज से हम लोग कुछ बात किया, डायनामिक रेंज क्या है, डायनामिक रेंज डेसिबल यूनिट में कैलकुलेट होता है, डायनामिक रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूलाज है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक छोटा इंपॉर्टेंट बात है नोट करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अगर नंबर ऑफ बीट्स किसी भी वर्ड का नंबर ऑफ बीट्स अगर इंक्रीज होता है तो उसका डायनामिक रेंज भी इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड रेशियो भी इंक्रीज होने वाला है,
ठीक है, एम्पलीट्यूड रेशियो भी इंक्रीज होने वाला है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डायनामिक रेंज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब देखना इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, आपको देखने की पता लग जाएगा जब क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट्स इन द यूनिट टाइम इंटरवल और यूनिट टाइम डिस्टेंस। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज नथिंग दैट हम लोग वन टाइम यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी से, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो वन यूनिट टाइम इंटरवल में हम लोग कितने नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट यूज किया, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अगेन आपके पास एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी से, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो वन यूनिट डिस्टेंस में हम लोग कितने बार सैम्पलिंग पॉइंट्स यूज किया, कितने बार सैम्पलिंग पॉइंट्स यूज किया, इस नंबर इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इस नंबर इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आराम से समझ लीजिए, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ना, इज द नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट्स, ओके, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट इन यूनिट टाइम्स और यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप इसको मैथमेटिकली समझते, मैथमेटिकली हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैथमेटिकली इट कैन प्रोवाइड दैट इफ द वेव फॉर्म इज ए साइन कर्व, इफ द वेव फॉर्म इज ए साइन कर्व, देन दिस कैन ऑलवेज रिकॉन्स्ट्रक्टेड। फिर से हम लोग एक साइन का रिकॉन्स्ट्रक्ट करने वाले, प्रोवाइड दैट अगर हम लोगों ने एक, आपके पास एक साइन कर्व है, ठीक है, एंड दिस कैन ऑलवेज रिकॉन्स्ट्रक्टेड प्रोवाइडेड दैट देयर ए मिनिमम टू सैंपल्स पर पीरियड ऑफ ए साइन वेव। देखिए आप आराम से इस ग्राफ को एक बार देख लीजिए, आप एक बार इस ग्राफ को एक बार आराम से देखिए क्या है। आपके पास एक कर्व था, ठीक है, दिस इज द नथिंग बट द मेन साइन कर्व, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द मेन साइन कर्व, मेन साइन कर्व। तो इसी साइन कर्व को हम लोगों ने फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद इसका जो हाफ पीरियड है, हाफ पीरियड, इसमें देखिए टू सैंपल्स होगा, टू सैंपल्स होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा मैथमेटिकली, ग्राफिकली तो इसको हम लोगों ने समझा। आराम से देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पे टू सैंपल्स है, हम लोगों ने यहाँ पे भी एक सैंपल यूज किया, यहाँ पे भी एक सैंपल यूज किया, और यहाँ पे भी एक सैंपल यूज किया, मतलब सैंपल्स हम लोगों ने टू टाइम सैंपल यूज किया। ठीक है, टू टाइम्स हम लोगों ने सैंपलिंग यूज करने वाले हाफ पीरियड में, हाफ पीरियड में हम लोगों ने टू टाइम सैंपल यूज किया। तो मैथमेटिकली इट कैन प्रोवाइड दैट इफ द वेवफॉर्म इज ए साइन कर्व, देयर कैन ऑलवेज रिकॉन्स्ट्रक्ट प्रोवाइड द मिनिमम, देयर इज ए मिनिमम टू सैंपल्स, आपको मिनिमम टू सैंपल्स यूज करना होगा, टू टाइम सैंपलिंग यूज करना होगा पर पीरियड ऑफ ए साइन वेव। एक साइन वेव का पर पीरियड में आपको मिनिमम टू सैंपल्स आपको यूज करना, ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए। इससे थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन नहीं मिला, अब थोड़ा सा और भी हम लोग बात करते हैं क्या हो। देखिए, दस इफ ए वेव फॉर्म्स इज सैंपल्ड, ओके, आपके पास एक वेव फॉर्म्स है, वेव फॉर्म्स है, और इसको आप सैंपल्ड किया एवरी टू मिलीसेकेंड, मतलब क्या है, एक वेव फॉर्म्स को आप सैंपल किया, सैंपल किया एवरी टू मिलीसेकेंड, मतलब टू मिलीसेकेंड जो सैंपलिंग इंटरवल है, 2 मिलीसेकेंड, उसके बाद 4 मिलीसेकेंड, उसके बाद 6 मिलीसेकेंड, इस इंटरवल में 2 मिलीसेकेंड का इंटरवल में अपने सैंपल यूज किया, मतलब जो सैंपल फ्रीक्वेंसी होगा, दिस इज नथिंग बट क्या होने वाला है, 500 सैंपल्स पर सेकेंड, 500 सैंपल पर सेकेंड होने वाला है, 2 मिलीसेकेंड। अगर 2 मिलीसेकेंड सैंपलिंग इंटरवल में, 2 मिलीसेकेंड सैंपलिंग इंटरवल में अपने एक वेब फॉर्म को सैंपल किया, मतलब वहां पे आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितने मिलने वाला है, 500 सैंपल्स पर सेकेंड, आपको 500 सैंपल मिलने वाला है
आराम से सोचिए, 500 सैंपल्स मिलने वाला है, मतलब आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, 5000 500 सेकंड मिलने, 500 हार्ट मिलने वाला है। तो इसका मतलब सैंपलिंग एट दिस रेट विल बी प्रिजर्व ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू 250 हर्ट्ज एंड इन द सैंपल्ड फंक्शंस। ठीक है, तो सैंपलिंग हम लोगों ने किया, सैंपलिंग इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सैंपलिंग पॉइंट्स पर यूनिट टाइम्स और पर यूनिट डिस्टेंस। किसी भी वेवफॉर्म में सैंपल करने के लिए आपको सैंपलिंग नंबर ऑफ सैंपलिंग पॉइंट यूज करना होगा, और जितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मिलेगा दिस आर कॉल्ड सैंपल फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे 500 टाइम्स सैंपल पॉइंट मिला था पर सेकेंड में, 500 टाइम्स सैंपल पॉइंट मिला था, इसीलिए सैंपल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, 500 टाइम्स आपको सैंपल पॉइंट मिला था, इसलिए सैंपल फ्रीक्वेंसी भी कितना हुआ, 500 हर्ट्ज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दिस इज नथिंग बट नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी इज द हाफ ऑफ द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा उस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का जो हाफ फ्रीक्वेंसी होगा दिस इज कॉल्ड नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। और द नाइक्विस्ट इंटरवल इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0 टू फ्रीक्वेंसी नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलने वाले नाइक्विस्ट इंटरवल। ठीक है, नाइक्विस्ट इंटरवल बोलने वाले, मतलब जिस टाइम में आपको नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा 0 से लेके उतने टाइम आपको नाइक्विस्ट इंटरवल मिलेगा। ठीक है, नाइक्विस्ट इंटरवल इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0 टू n। नाइक्विस्ट जो इंटरवल है, नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होगा, 0 से लेके नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी तक होगा। ठीक है, जो नाइक्विस्ट इंटरवल है दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0 टू fn। और नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाफ ऑफ द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का हाफ होगा नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिस इज नथिंग बट 1/2 डेल्टा टी, यहाँ पे 1/2 डेल्टा टी इज नथिंग बट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज नथिंग बट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, 1/2 डेल्टा टी इज नथिंग बट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको क्या मिला, एफ एन, देखिए आराम से देख लीजिए, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ है इट इज नथिंग बट 1/2 डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, सैंपलिंग इंटरवल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सैंपलिंग इंटरवल जिस इंटरवल में हम लोगों ने सैंपलिंग यूज किया, आराम से इसको समझिए, डेल्टा टी क्या, सैंपलिंग इंटरवल, वहां पे हम लोगों ने यूज किया था ना 2 मिलीसेकंड इंटरवल में सैंपल यूज किया, तो 2 मिलीसेकंड क्या होगा, सैंपलिंग इंटरवल होगा। ओके, उससे आप सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट भी हम लोगों ने किया 2 मिलीसेकंड के लिए, मिलीसेकंड को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उस प्रॉब्लम्स के लिए देखिए 2 मिलीसेकंड मतलब 2 मिलीसेकंड था उस प्रॉब्लम में। ठीक है, 2 मिलीसेकंड था, उसके बाद आराम से देखिए 2 × 10⁻³ सेकंड, मतलब आपको क्या मिलेगा, 500 पर सेकंड। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगा 500 पर सेकंड, मतलब 500 हर्ट्ज आपको मिलने वाला है। तो इस 500 हर्ट्ज के लिए आपको नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, 250 हर्ट्ज आपको मिलने वाला है नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप इससे आप आराम से पता लगा लीजिए, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होता है दिस इज ऑलवेज लेस देन कंपेयर टू, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, प्लीज रिमेंबर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी, आराम से इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया, सैंपल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ यूपीएससी जियो साइंटिस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर है। थ्योरी जितना पढ़ाई किया हम लोग उस थ्योरी के बाद यूपीएससी जीओसाई का एग्जाम में जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उस प्रीलिम्स के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है तो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। The signal has a frequency spectrum 0 to 5 kilohertz. If FS is the sampling frequency, the data processing will be arrived, then aliasing effect will be arrived. देखिए, aliasing effect कब arise होता है और कब reduce होता है। अब इस point को अच्छे से समझिए। To overcome the problem of aliasing, the sampling frequency must be at least twice as high the frequency component present in the sample functions. मतलब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज नथिंग बट 2m तब आपको एलाइजिंग इफेक्ट ओवरकम होने वाला है। अगर इफ एफएस इज लेस देन 2f होगा तो आपको एलाइजिंग इफेक्ट अराइज होने वाला है। इस बार आपको एलाइजिंग इफेक्ट ओवरकम होगा इस कंडीशन में आपको एलाइजिंग इफेक्ट फिर से आपको दिखने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आप आराम से देखिए एलाइजिंग इफेक्ट विल बी अराइज When FS is less than into 2F होगा ठीक है। So FS is less than जब 10 kilohertz तब आप एलाइजिंग विल बी अराइज होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से देखिए ऑप्शन आपको डी मिलने वाला है। आराम से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। पे गलती से ए ऑप्शन से इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर आप डी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल टू है यूपीएससी जीएसआई 2020 में ही को वाला क्वेश्चन पूछा था। द स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल कॉन्टेन मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz एंड 100 kHz ठीक है रेस्पेक्टिवली। टू अवॉइड द अलाइजिंग इफेक्ट सिग्नल मस्ट बी सैंपल। आराम से सोचिए सैंपल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। जो सैंपल फ्रीक्वेंसी होता है ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। टू टाइम्स ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल ठीक है होता है। सो इस क्वेश्चन के लिए आप आराम से देखिए जो सैंपल फ्रीक्वेंसी होगा That is nothing but 200 kilohertz से ज्यादा होना चाहिए। So more than 2 kilohertz होना चाहिए तब जाके आपका aliasing effect यहाँ पे avoid होने वाला है ठीक है। More than 200 kilohertz होना चाहिए तब जाके आपको aliasing effect आपका reduced मतलब avoid होने वाला है। इस aliasing effect से आपको बहुत ज्यादा questions मिला था तो आप एक बात आप ब्रीफली याद कर लीजिए। जब सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी इज लार्ज ग्रेटर देन 2f, 2f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल तो आपका अलाइजिंग इफेक्ट अवॉइड होगा। इस कंडीशन में अलाइजिंग इफेक्ट अवॉइड होगा। अगर fs इज लेस देन 2f तब आपका क्या मिलेगा अलाइजिंग इफेक्ट शो होने वाला है अराइज होने वाला है। इसमें अलाइजिंग इफेक्ट अवॉइड होगा और इसमें अलाइजिंग इफेक्ट अराइज होने वाला है ठीक है। इसमें अराइज होगा इसमें क्या होने वाला है अराइज होने वाला है और इसमें क्या होने वाला है अवॉइड होने वाला है। इस टू कंडीशंस को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ओके। तो चलिए दिस इज द प्रीलिम्स का फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में तो बात किया। जब नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ऐसा नहीं कुछ ऐसा हम लोग एकदम सिलेबस वाइज पढ़ाई करेंगे और इस सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे।
हम लोग अभी प्रीलिम्स का लेक्चर्स, प्रीलिम्स के लेक्चर्स के बारे में डील करने वाले, प्रीलिम्स के लेक्चर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।